अरुण गोस्वामी जी, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए पाकिस्तान की जीत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। 124A, मैं कानून जी की बात करूंगा, इस पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। 124A शुरू से कहा गया है, ये अंग्रेजों के टाइम का लॉ था और अंग्रेज किस पर्पस के लिए और किस मंशा से इसे लेके लाए थे हम सबको पता है। वो भी यही करते थे कि हर कोई भी चीज अगर उन्हें नागवार गुजरती थी तो उसको सेडिशन समझ के कह के इसमें अरेस्ट कर देते थे और लोगों की उस वक्त तो डेथ सेंटेंस तक हुए हैं। और हमेशा से डिबेट चली आ रही है शुरू से कि 124A को खत्म कर देना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। आज आप देखिए, मेरे पास एक वीडियो है जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई है, कितनी जेन्युइन है कि नहीं आप बताएंगे उसे, कि अक्षय कुमार फील्ड पे एक पाकिस्तानी प्लेयर की हौसला अफजाई कर रहे हैं जीत के बाद और उससे कह रहे हैं हाँ भाई खुश हो, एंजॉइंग, और सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज एज मच एज एन ऑफेंस। अगर किसी और ने ऑफेंस किया, मैं छोड़ देता हूँ कश्मीरियों की, किसी भी, मैं कम्युनिटी पे नहीं जाता हूँ, किसी ने अगर पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेशन किया, पाकिस्तान की तारीफ करी है उस मैच के जीतने के लिए, तो सेम एक्ट उस सुपरस्टार ने किया है। वीडियो ऑनलाइन है, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? विराट को वो सही कहा किसी ने, आपके पैनलिस्ट ने, विराट कोहली ने हक किया, हौसला अफजाई करी, अगर उसकी सेलिब्रेशन में बी ए स्पोर्ट, आई टीम जीती है, हम इतने सालों से जीतते आ रहे, वो जीते हैं, उन लोगों ने अगर से किया तो हमारे कैप्टन ने अपना बड़ा दरिया दिली दिखा के उसको अप्रिशिएट किया है। It should be accepted. आप अक्रॉस द बोर्ड 124A सेडिशन लगाएंगे, इस तरीके से 124A लगा सकते हैं, ये चीज कहीं भी ठीक है आ रहे हैं। पहले तो मैं 124A लगा सकते हैं। देखिए पहले तो ये कि उसमें 153A लगाया गया है कि जो हारमनी को डिस्टर्ब करने के लिए या दो यू नो रिलीजन या कास्ट या ऐसी कोई बातें जहां पे हारमनी डिस्टर्ब हो, जनरल पीस को डिस्टर्ब किया जाए, ऐसे सिचुएशन में 153A लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि वो ठीक भी है, क्योंकि देखिए ये मेरा ये मानना है कि जब दो कंट्री खेलती है तो वहां पे कहीं ना कहीं देश के लोगों की भावना जुड़ी होती है उस खेल से। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई, जैसे किसी ने कहा अप्रिशिएट, ठीक है अप्रिशिएट किसी प्लेयर को करना, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अच्छा खेला हो, वो अपनी जगह है, बिल्कुल वो होना चाहिए और लोग करने चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं या किसी कंट्री के बारे में आप जो है नारा लगाते हैं और जो है इस तरह के काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आप वायलेशन कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है, अब तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर हमारा जवान अगर शहीद हो जाए तो आप जो है अपोजिट पार्टी जो जीते आप उसको भी अप्रिशिएट करने लगे, तो ये मुझे लगता है कि गलत है और इससे बचना चाहिए। देखिए कि कोई अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट करना अपनी जगह है। नहीं वरुण साहब, मुझे बताइए ना फिर, आप जब कोई, वरुण साहब ठीक है एक सेकंड, वरुण साहब मुझे बताइए ना फिर, कल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीता तब तो इन्हीं जगहों पर पटाखे नहीं फोड़े गए, इंडिया पर जीतने पर पटाखा था, तो इंटेंशन तो बहुत साफ है इंडिया को नीचे दिखाने का। कहा आप कैसे कह सकते हैं इंडिया को नीचे दिखाने का है? एक टीम जीती उसके आपने सर्टिफिकेट, देखिए कानून के अगर आप आ रहे हैं, आप कानून के ऐसे वाइडर इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। क्या इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगी? क्या इंडिया मेरा क्या सवाल आप समझे या नहीं समझे? क्या कहीं पे मेरा सवाल आप समझे नहीं समझे? जो भी पटाखे फोड़ने की खबर आ रही है या व्हाट्सएप स्टेटस एक महिला कर्मचारी ने लगाया जिसकी वजह से उनकी नौकरी रजौरी मेडिकल कॉलेज में गई है, या फिर यहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छोड़े, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ और पाकिस्तान जीता तब नहीं इन्होंने पटाखे छोड़े, तो कोशिश तो यही ना कि इंडिया को नीचे दिखाना।